हेलो एंड वेलकम टू ऑल एंड आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। जो आपने पिछले मुझे कमेंट किया उसमें सबसे ज़्यादा स्किन रिलेटेड कमेंट आए हैं, दूसरे भी आए हैं, उनके भी मैं रिप्लाई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बट आज हम स्किन रिलेटेड बात करेंगे कि अगर आपने अपने पिगमेंटेशन को कम करने के लिए कुछ ऐसी क्रीम को इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से अब रेडनेस आ गई है तो अब क्या करें। यानी जब हमारी स्किन पर दाग धब्बे हो जाते हैं या फिर कुछ कॉम्प्लेक्शन आपको डार्क लग रहा है तो उसकी वजह से कुछ ऐसी क्रीम्स आती हैं जिनसे कॉम्प्लेक्शन ठीक हो जाता है या फिर डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा यूज़ करने से उस क्रीम को स्किन में लालपन आ जाता है और स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो ऐसे में हम क्या करें, तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे और इसको जानेंगे कि अगर ऐसी स्थिति हो गई है तो आप क्या करें। ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो जो क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं उसको लगाना अभी छोड़ दें। छोड़ने का मतलब ये है कि अब आपको स्किन को नेचुरल हील करने का मौका देना है। एक्चुअली होता ये है, जो हमारी त्वचा है इसमें भी हमें खुद को, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने की एक नेचुरल एबिलिटी होती है और उस एबिलिटी की वजह से ही अगर इस पर डस्ट आती है या कोई इन्फेक्शन लग जाता है तो ये हमें प्रोटेक्ट करती है। इस स्किन से कोई भी चीज़ अंदर पेनिट्रेट नहीं करती, यानी अंदर प्रवेश शरीर के अंदर नहीं करती है, इसीलिए हम सुरक्षित भी रहते हैं। इतनी धूल भरे इन्वायरमेंट में हम कभी कभी जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और गंदे होने के बाद भी स्किन के अंदर वो गंदगी या फिर इन्फेक्शन पेनिट्रेट नहीं करता। लेकिन जब हम कोई ऐसी क्रीम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि पिगमेंटेशन कम होता है और अगर वहाँ पर वो स्किन ज़्यादा लाल हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उतने एरिए में जहाँ पर आपने क्रीम लगाई है वहाँ पर जो स्किन में खुद को प्रोटेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो अब वहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो पहले तो आपको उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, नहीं तो ये लालपन जल्दी से ठीक नहीं होगा और प्रॉब्लम आगे और बढ़ जाएगी। उसके लिए ये है कि जो पिगमेंटेशन के लिए जो कॉम्बिनेशंस आते हैं, जो स्किन को फेयर बनाते हैं, बहुत सारी क्रीम्स में वो कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो उनको अभी आपको नहीं यूज़ करना है। उसकी जगह आपको एक नॉर्मल, एक जिसमें विटामिन्स का कॉम्बिनेशन हो, ऐसी क्रीम को इस्तेमाल करना है। और उसके लिए जो मेडिकेटेड, जो एक्सपर्ट्स भी रिकमेंड करते हैं, वो एक क्रीम है ईवियन। ईवियन को जो मैं पिक्चर भी लगा देता हूँ आपके लिए कि ये क्रीम आपको अब यूज़ करनी है। इसको आप सुबह, दोपहर, शाम 3 बार भी लगा सकते हैं। ये कोई हार्श केमिकल की क्रीम नहीं है जिसको लगाने से आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बट ये आपकी जो प्रॉब्लम आ गई है, रेडनेस आ गई है, उसको सही करने में मदद करेगी। बिकॉज विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है और विटामिन ई से त्वचा में हीलिंग प्रोसेस भी बहुत तेज़ी से आता है। और अगर नॉर्मल स्किन है तो उस पर अगर हम विटामिन ई लगाते हैं तो उससे स्किन में चमक और सुंदरता और बढ़ती है। तो इसलिए अभी आपको केयर की ज़रूरत है और ऐसी स्थिति में आपको ये जो क्रीम है ईवियन, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसको लगाने से आपकी जो रेडनेस की जो भी प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। दूसरा एक चीज और प्रॉब्लम आपने मुझे लिखी थी कि स्किन में थोड़ा सा वाइट स्पॉट से दिखते हैं, उसमें हम क्या करें। तो वाइट स्पॉट इस समय दिखना स्वाभाविक है बिकॉज ठंड आ गई है, मौसम ठंडा है, तो ऐसे में अगर आप साबुन का इस्तेमाल करेंगे चेहरा धोने के लिए तो उसके बाद ड्राइनेस आना स्वाभाविक है। तो ऐसे में अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल करेंगे तो ये उस प्रॉब्लम को भी ख़त्म करेगी जिसमें आपको ये लगता है कि स्किन में हल्का सा गोला सा बन गया है या फिर स्किन हट सी रही है या फिर जैसे रूसी जैसी नहीं हो जाती सिर में, उस टाइप की चेहरे पर भी दिखाई दे रही है, सफ़ेद पन भी दिखाई दे रहा है चेहरे पर। तो ऐसी स्थिति में भी जहाँ बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है उस स्थिति में भी आपके लिए ये क्रीम बेस्ट है। और इस क्रीम को जो स्किन स्पेशलिस्ट है उन्होंने भी रिकमेंड किया है, आप मोस्टली वो लिखते भी हैं इस क्रीम को। इसके अलावा अभी कोई दूसरी क्रीम इस्तेमाल ना करें। अगर कुछ भी आपको इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर की सलाह लें, उनकी सलाह से ही कोई दूसरी क्रीम को इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मिलेगा आपको नोटिफिकेशन और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। जो क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से रेडनेस आ गई है उसको लगाने का एक तरीका होता है और उसका एक अमाउंट होता है कि बहुत कम अमाउंट में वो लगाई जाती है
तब वो सही काम करती है और अच्छे रिजल्ट्स देती है। लेकिन जहाँ पर डार्क सर्किल होते हैं या फिर पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है या फिर उसको जल्दी आप रिमूव करना चाहते हैं उसकी वजह से आप क्रीम को ज़्यादा लगा लेते हैं, तो ऐसे में ये स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन प्लीज़ अगर कोई भी इस तरह की क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें वो कितने अमाउंट में लगानी है इसका गाइडेंस होना आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम आगे चल के और बढ़ सकती है। तो इसलिए प्रॉपर गाइडेंस में इस क्रीम को लगाएं, बहुत कम अमाउंट में लगाएं, जहां पर भी लगाएं अदरवाइज डॉक्टर की सलाह लें तभी इसको यूज करें। फिलहाल आप उसको लगाना छोड़ दें और डेटॉल साबुन का या फिर सैवलॉन साबुन का ही इस्तेमाल करें चेहरे के लिए और फिलहाल इस इवियन क्रीम को इस्तेमाल करें। एंड आई होप आपकी काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।